अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। क्या बात है मुन्नी, छोटू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या बताऊं भैया, छोटू के स्कूल में रोलर स्केट चैंपियनशिप होने वाली है। छोटू भी उसमें हिस्सा लेना चाहता है, पर इसको रोलर स्केट ठीक से चलाना आता नहीं। बहुत सारे स्कूल के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, सुना है सब बहुत बढ़िया स्केटिंग करते हैं भैया, बस इसीलिए छोटू उदास बैठा है। अरे बस इतनी सी बात मेरे छोटे से छोटू, मैं तुम्हें रोलर स्केट्स में एक्सपर्ट कर दूंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो मैं तुम्हें स्केटिंग सिखाता हूँ। सच मोटू मामू, आप मुझे रोलर स्केट्स अच्छे से चलाना सिखाओगे? अरे समझो कि सिखा दिया। मोटू और स्केटिंग कोच, न जाने क्या होगा। लो, अब इसे पहन लो और यस, अच्छे से बांधो। यस। छोटू, जब स्केटिंग करते हैं ना, तो पूरा का पूरा ध्यान स्केटिंग पे ही होना चाहिए, ओके? छोटू ये एक बार भी मत सोचो कि तुम स्केटिंग कर रहे हो। जैसे जब तुम पैदल चलते हो तो सोचते हो कि हम पैदल चल रहे हैं, नहीं ना? वैसे ही रोलर स्केट्स को अपने बदन का ही हिस्सा समझो और चलते रहो। ये क्या, मोटू रोलर स्केट कोच बन गया है? अब आएगा मजा। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक नया आइडिया पक रहा है और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है। चक्कर गिनी की तरह घूमे हैं, ये स्टंट आपने कैसे किया? कुछ ज्यादा नहीं छोटू, लेफ्ट पैर को थोड़ा लेफ्ट की साइड और फिर राइट पैर को भी थोड़ा लेफ्ट पैर की तरह घुमा के हाथ फैला के स्विंग किया। वेरी गुड मामू। एक मिनट हटिए, प्लीज मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। नहीं छोटू नहीं, एकदम से स्टंट नहीं करना चाहिए, पहले देखो फिर प्रैक्टिस करो फिर खुद करो। अभी कुछ और सीखते हैं, चलो। ओ, ऐसा क्या, आगे चलो बताता हूँ। अब देखना मोटू फिसलता हुआ सीधा इस बैरियर से टकराएगा और उसे दिन में ही चांद तारे दिखने लगेंगे। अरे पतलू क्यों बार बार मेरे ही ऊपर गिर रहे हो? वैसे ही मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब मेरा पैर ठीक करो जल्दी। मामू, आपने अपने पैरों को रोलर स्केट पहनकर भी इतना बढ़िया लेग स्पिन कैसे किया? प्लीज मुझे भी बताओ ना मामू। अरे कुछ नहीं, सामने बैरियर था, मैंने सिर्फ ये सोचा कि बैरियर पार करना है, दोनों पैर स्प्लिट किए और इमेजिन किया कि कैसे भी मुझे अपने हाथों से पैरों को छूना है और ये सब कैसे हो गया पता भी नहीं चला। फोकस छोटू, फोकस, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूर कोई हमारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है, कोई तो है, मैं देखता हूँ। तो समझ गया छोटू।
ये क्या हो रहा है? मेरी हर रुकावट को मोटू पार करता जा रहा है। मेरा हर प्लान फेल क्यों हो जाता है? बात बात ऐसे मत लो, कोई देख लेता। कोई देख लेता है तो देखने दो। मैं क्यों तुतला रहा हूँ? तो ये बात है, हर रुकावट के पीछे जॉन कहाँ था? उसे तो सबक सिखाना ही होगा। आइडिया। तुमने सुना क्या? कल जो रोलर स्केट चैंपियनशिप होने वाली है उसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे जैसी कद काठी वाला कोई भी आदमी हिस्सा ले सकता है। केवल उसकी दाढ़ी मुझे ना हो और वो बच्चे जैसा दिखता हो। इनाम पूरे 1,00,000 रुपए हैं। जान बनेगा डान, जान बनेगा डान। अब मैं बच्चे जैसा बन के रेस में हिस्सा लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, छोटू नहीं जीतना चाहिए। उसे कैसे भी रोक के रखना। ओके ओके बॉस। बच्चों, ये स्केटिंग कंपटीशन स्कूल ग्राउंड से शुरू होगा, फिर फुरफुरी नगर बाजार से होता हुआ यहीं खत्म होगा। सो आर यू ऑल रेडी? यस। कम ऑन छोटू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मामू। की तरह गोल गोल घूमू तो इनके बीच से रास्ता बना के निकल जाऊंगा। क्या कहा था उन्होंने? लेफ्ट लेग को लेफ्ट किया, राइट लेग को राइट किया और दोनों हाथ फैला के घूमे इस तरह। स्केटिंग का प्रदर्शन किया है, यकीन नहीं होता जो तुमने किया। ये लो तुम्हारी ट्रॉफी। सर, इस ट्रॉफी के असली हकदार मेरे मोटू मामू हैं। वो मुझे कोचिंग ना कराते तो मैं जीत ही नहीं सकता था। मामू, प्लीज आप मेरे साथ आके ये ट्रॉफी शेयर करेंगे?
दोस्तों, हमारे बीच एक चीटर भी है जो बच्चा बनके फर्स्ट प्राइज लेना चाहता है और उसका नाम है जॉन। वो देखिए, दाढ़ी मुझे मुड़ा के स्टूडेंट बनके रेस में हिस्सा ले रहा था। सिक्योरिटी, इसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। ये चीटिंग है। मैंने वो अनाउंसमेंट सुना था जिसमें कहा गया था कि बच्चों की कदकाठी वाला कोई भी हिस्सा ले सकता है। अब ये न कहना कि वो तुमने चाय की दुकान पे सुना था। क्या, तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, तुम लोगों ने मुझे उल्लू बनाया, खुद ही अनाउंसमेंट करवाया। ये असली चीटिंग है, बिल्कुल असली।